नमस्कार श्रोताओं, मैं वैशाली बरसैया फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट के कंटेंट राइटर हैं गिरीश बिल्लोरे मुकुल। दृश्य संपादन एवं प्रस्तुति सिद्धार्थ गौतम ने की है। पिछले भाग में आपने जाना कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए किए गए तख्तापलट एक वैश्विक स्तर पर की गई कार्यवाही हो सकती है। अब आगे जानिए, हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में डेमोग्राफिक अरेंजमेंट में 15 करोड़ मुसलमान हैं और इसके बाद 1.31 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की है। इनके अलावा बांग्लादेश में 10 लाख बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, 4.95 लाख ईसाई और 1.98 लाख मत एवं संप्रदायों से जुड़े हुए लोग रहते हैं। सांप्रदायिकता को लेकर पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अत्यधिक संवेदनशील है। आजादी के बाद अविभाजित पाकिस्तान के इस हिस्से में लगभग 27% हिंदू आबादी निवास करती थी, परंतु अब मात्र 8% ही हिंदू आबादी है। भारत में नागरिकता के परिपेक्ष में कानून लाने का उद्देश्य भी मानवाधिकार की रक्षा ही था। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदू और बौद्ध, कथित रूप से इस आंदोलन के निशाने पर हैं। उदाहरण स्वरूप नवग्रह मंदिर तथा अन्य मंदिरों को निशाना बनाना, हिंदू परिवारों के घर में तोड़फोड़ करना, इस्कॉन मंदिर पर हम लोग को छात्र आंदोलन कहना अनुचित है। बांग्लादेश में मुस्लिम आतंकवादियों ने कई वर्षों से हिंदू ब्लॉगर्स को निशाने पर रखा गया था और उनकी बेरहमी से हत्या भी कर दी थी। आंदोलनकारी छात्र यह भूल चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपने पूर्वी हिस्से यानी वर्तमान बांग्लादेश में 1 लाख से अधिक महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया तथा लगभग 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बांग्लादेश की युवा पीढ़ियों को यह याद रखना चाहिए कि वे चीनी और पाकिस्तानी साजिशों का मोहरा बन गए हैं। अब तो यह तय हो चुका है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत विरोधी वातावरण निर्मित करने के लिए दक्षिण एशिया में सक्रिय हो चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप में भी अस्थिरता को स्थान मिलता नजर आ रहा है। यहाँ यह कहना भी गलत नहीं होगा कि चीन और पाकिस्तान का यह प्रयास है कि भारत की स्थिति दुश्मनों से घिरे इसराइल की तरह हो जाए, ताकि चीन अपने विस्तारवादी एजेंडे को संपूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्र में लागू कर सके। भारत के सीमावर्ती राज्यों मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल में अब सीमा सुरक्षा भारत के लिए चुनौती बन चुकी है। निश्चित तौर पर भारत सरकार इस मुद्दे पर भी विशेष ध्यान देगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो भी हो, किसी भी देश में सामाजिक अस्थिरता फैलाना मानव अधिकार का सबसे बड़ा अपराध है। भारतीय महाद्वीपों में भारत को अलग अलग कर देने की चीन की कोशिश पहले भी जारी रही है। इसका विवरण हम पिछले पॉडकास्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं। इस पॉडकास्ट को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि आप सब किसी भी बाहरी विचारधारा के प्रभाव में न आए, क्योंकि भारत का मौलिक चिंतन एकात्मता और विश्व बंधुत्व पर केंद्रित है। धन्यवाद। ऐसे और रोचक पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।